नाम है ल्यूका पैसियोली, और कौन सा सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया मालूम है? लगभग 14th सेंचुरी, लगभग 14th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कोई कोई बोलते हैं 18th सेंचुरी, कोई कोई बोलते हैं 14th सेंचुरी। चलो 14 बोलो या 18, एक एग्जाम्पल लेंगे तो आज से कितना साल पहला बोलो, आज से कितना साल पहला? यस एग्जैक्टली, आज से 600 ईयर्स बिफोर, 600 साल पहला ये एक सिस्टम है जो आज भी मैक्सिमम बिजनेस में यूज होता है। 600 साल पहले का सिस्टम आज भी मैक्सिमम बिजनेस में यूज होता है। अब टेंशन मत लो पेज नंबर का, सिर्फ ध्यान दो, बुक जरा साइड में रखो, बुक को हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ ध्यान दो, अभी फिलहाल बुक का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ समझ के लो, इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो समझ के लो, बुक में पढ़ के अपने को क्या समझेगा, सिर्फ रीड नहीं करना है ना हमको, तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो हम लोग को मालूम होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बंदा जो है इसने इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टम 14th सेंचुरी में, आज से 600 साल पहला, और आज भी वो मैक्सिमम बिजनेस में यूज हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेने का रहेगा तो हम एक 60 साल पहला फैशन यूज नहीं करते, 60 साल पहले का फैशन बोला तो क्या, बॉयज लोग स्कूल जाने का रहेगा या कॉलेज जाने का रहेगा तो धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था अपने यहाँ पे। आज कोई ऐसा धोती कुर्ता पहनकर कॉलेज में जाएगा क्या? एक ट्रेडिशनल डे होता है जब आप जाते हो, वो ट्रेडिशनल डे छोड़ा तो कोई जाने वाला है क्या? नहीं ना, कोई नहीं जाएगा, क्यों? फैशन चेंज हो गया है। लड़की लोग का मटेरियल अलग था, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल अलग था। आज उस ड्रेसिंग स्टाइल और हेयर स्टाइल में बोला जाओ कॉलेज जाओ, जाके आ सकते हैं क्या? नहीं। 60 साल पहला फैशन अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं, 6 साल पहला टेक्नोलॉजी हम लोग यूज नहीं करते, 6 साल पहला, 6 साल पहला जो आपका मोबाइल था, उस मोबाइल का मेगापिक्सल कैमरे का सिर्फ 5 मेगापिक्सल था, 10 मेगापिक्सल था, बट आज का मोबाइल में 24 मेगापिक्सल, 42 मेगापिक्सल। तो हम लोग को वो 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल एकदम क्या बोलते हैं, ऑड लगता है। यह 6408 तक लग गया, बराबर है? तो हम 6 साल पुराना टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते हैं, 60 साल पुराना हमारा ड्रेसिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकते हैं, बट आज का डेट में भी, इस मॉडर्न जमाने में भी, 20th सेंचुरी में भी, 600 साल पुराना बुक कीपिंग का सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स उसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस रहेगा ना, यस और नो, कुछ तो इंपॉर्टेंस है, कुछ तो उसमें बात है, इसलिए आज वो यूज हो रहा है, और वो भी बड़े बड़े बिजनेस में यूज हो रहा है, वो भी बड़े बड़े बिजनेस में यूज हो रहा है। क्या बोला इस सिस्टम के अंदर? तो इस सिस्टम के अंदर ल्यूका पैसियोली बोलता है कि आपका हर ट्रांजैक्शन में, ल्यूका पैसियोली क्या बोलता है कि आपके हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पार्टीज होते हैं, या फिर 2 पर्संस होते हैं, या फिर 2 अकाउंट्स होते हैं। सिंपल बोलता है ल्यूका पैसियोली, यानी ल्यूका पैसियोली का कहने का मतलब है किसी भी एक पर्सन से ट्रांजैक्शन होने वाला नहीं है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन लो
वहां पे कम से कम दो पर्सन रहेंगे, दो पार्टीज रहेंगे, दो अकाउंट्स रहेंगे। तो पहला कौन रहेगा? वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। वन इज व्हाट? रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो पार्टीज आने वाला है, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो पर्सन आने वाला है, कम से कम दो अकाउंट्स आने वाला है। वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। तो ल्यूका पैसिवली सिंपल क्या बोलता है? अगर ट्रांजैक्शन में ऐसा दो पार्टीज है या दो पर्सन है तो उन दोनों को अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करो। उन दोनों को क्या करो? अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करो। यानी आपके बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा उस ट्रांजैक्शन को दो अलग अलग जगह पे क्या करो? रिकॉर्ड करो। एक ही जगह पे रिकॉर्ड मत करो, तो अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करो। ये सिंपल फंडा ल्यूका पैसिओली बोलता है। और अलग अलग जगह पे क्यों? तो देखो ना यहाँ पे क्या बोला, वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे ए ने गुड सेल किया, गुड सोल्ड बाय ए टू बी। ए ने सेल किया मतलब कौन गुड्स दे रहा है? ए। कौन गुड्स ले रहा है? बी। दो पार्टीज हो गया ना, यस और नो? दो पार्टीज हो गया। चलो, आई रिसीव कैश फ्रॉम जेड। वाई ने कैश रिसीव किया, किससे रिसीव किया? जेड से। यानी वाई कैश ले रहा है, जेड कैश ले रहा है, दो पार्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन देखो आप, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट या दो पार्टीज रहेगा। तो ल्यूका पैसिओली क्या बोलता है? उन दो पार्टीज को अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करो, यानी दो जगह पे रिकॉर्ड करो। अभी वो दो जगह को उसने नाम दिया, क्या नाम दिया? एक को नाम दिया उसने डेबिट और दूसरे को नाम दिया उसने क्रेडिट। एक को नाम क्या दिया? डेबिट। और दूसरे को नाम क्या दिया? क्रेडिट। शॉर्टकट में डेबिट को डीआर बोला जाता है और क्रेडिट को सीआर बोला जाता है। तो ऐसे वो जो बोल रहा है कि दो अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करो, वो दो अलग अलग जगह को नाम क्या दिया? डेबिट एंड क्रेडिट। तो अलग अलग जगह को नाम क्या दिया? डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है ये सबको? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। नाउ अभी हम लोग जरा 600 साल पहले जाते हैं। श्रेया बेटा घाई मत करो, श्रेया घाई मत करो, ओके? 600 साल पहले हम लोग जाते हैं, 600 साल पहला। क्यों सोचा रहेगा ल्यूका पैसिओली ने ऐसा कि आपके ट्रांजैक्शन को दो अलग अलग जगह में रिकॉर्ड करो? जरा ल्यूका पैसिओली की मन की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउअडेज हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर के मन की बात सुनते हैं ना, अभी हम लोग ल्यूका पैसिओली की मन की बात पढ़ेंगे, कैसा ल्यूका पैसिओली ने क्यों बोला, ओके? चलो, दो जगह पे रिकॉर्ड करने का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मुझे बताओ, अगर एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है तो उसे क्या बोलेंगे? अगर एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है तो उसे क्या बोलेंगे? यस, वेरी सिंपल, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और है, ओके। चलो अभी मुझे बताओ, ल्यूका पैसिओली ने ऐसा क्यों बोला रहेगा कि दो जगह पे रिकॉर्ड करो?
क्या उसको ऐसा लग रहा था क्या कि दो जगह पे रिकॉर्ड करेंगे सारे लोग तो नोटबुक ज्यादा लगेगा, और नोटबुक ज्यादा लगेगा तो नोटबुक बनाने वाले कंपनी से मेरे को कमीशन मिलेगा? उनका बैसुली ने ऐसा सोचा था क्या? नहीं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहेगा ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहेगा, यस और नो? तो अभी क्या रीजन रहेगा ना, वही हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेता हूं, एक जस्ट 2 मिनट हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं, क्या होगा? हम लोग को खाली दुबका पैसे की मन की बात पढ़नी है, वो आप समझ गए तो बस काम खत्म, डबल इंट्री सिस्टम बुक कीपिंग आप समझ जाओगे, सिंपल लॉजिक है। ये कुछ ट्रांजैक्शन है मेरे पास, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अगर मैं फॉलो कर रहा हूं सिंगल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में मैं क्या करेगा रे, जो जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड एक ही जगह पे करेगा। मैं कर रहा हूं रिकॉर्ड ना, बराबर ध्यान दो आप, है सबका ध्यान? एक बार बोलो यस और नो। अच्छा, वेरी गुड, सुझाते आगे। रूपाली ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपीज लेके, चलो मैंने बुक में रिकॉर्ड किया फटक से 25,000। मशीनरी परचेज किया 5,000 का, चलो मैंने रिकॉर्ड किया 5,000। गुड्स परचेज किया 16 से 3,000 का, मैंने रिकॉर्ड किया 3,000। सैलरी पेड किया मैंने 3,000, इंटरेस्ट रिसीव किया 200, मैंने रिकॉर्ड किया 200। ये बोलता है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंगल एंट्री सिस्टम, समझा सबको? अरे बाप रे, उनको पता चला? क्या बात कर रहे हो, सच्ची? सेकंड में 5,000 आएगा? सिद्धांत कुछ नहीं किया हमने, खाली अमाउंट रिकॉर्ड किया है, रिपीट किया करने का, उसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने जो जो ये हमारे ट्रांजैक्शंस से उसको रिकॉर्ड कर दिया, और एक गलती इंटेंशनली किया। क्या गलती किया? मशीनरी 5,000 का खरीदा था, बट वहां पे रिकॉर्ड कितना किया? 500। बराबर है ना? मतलब क्या हुआ, गलती से 1-0 मैंने कम लिखा, गलती से 1-0 मैंने क्या किया, कम लिखा। तो जिधर 5,000 रुपीज रिकॉर्ड होना चाहिए था, मैंने गलती से 1-0 कम रिकॉर्ड किया 500। अभी ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम मैं आपके सामने बना रहा हूं, 105 स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, और उस 105 में से 10 स्टूडेंट ने वो क्लिक किया और बोला कि सर सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में गलती है, फिर शायद और लोगों को क्लिक हुआ रहेगा, फिर वो लोग ने भी टाइप किया। बट जरा सोचो, अगर मैं अकेला हूं और मैं अकेला ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो भी 5 ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में ऐसे 500 ट्रांजैक्शन होते हैं,
महीने में, साल के बाद तो अलग है, तो ऐसे 500 ट्रांजैक्शन में, ऐसा छोटा मोटा ट्रांजैक्शन में गलती हो रहा है तो क्या मुझे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? क्या नहीं ना? और ये 5 ट्रांजैक्शन था तो आपने भी फाइंड आउट किया, 500 ट्रांजैक्शन में ऐसा गलती हुआ तो पता चलेगा क्या? नहीं। सेकेंड थिंग, ये आपके इमीडिएटली सामने था ना, इसलिए आपने फटक से फाइंड आउट किया। अरे इधर तो 5000 है और इधर 500 है, फटक से फाइंड आउट किया। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सामने नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक साइड में एक फाइल होता है, वहां पे सारे वाउचर्स बिल्स होते हैं, और दूसरे साइड में बुक होता है, तो वाउचर को देख के बुक में एंट्री करना है। तो जब आप दूसरा दिन या 4 दिन बाद या 10 दिन के बाद देखने जाओगे तो ऐसा सामने अमाउंट नहीं रहने वाला है, तो पता चलेगा कि आपको नहीं पता चलेगा ना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का यही डिसएडवांटेज है, सिंगल एंट्री सिस्टम का ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती होता है, That गलती is called as what? Error. गलती को क्या बोला जाता है? Error. अगर आपके books of account में किसी भी तरह का mistake होता है, which is called as error, तो वो error पता चलता नहीं है in case of single entry system. In case of what? Single entry system. तो सिंगल एंट्री सिस्टम का यही सबसे बड़ा एक लूप होल है, डिसएडवांटेज है, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक पता नहीं चलता, वो मिस्टेक पता नहीं चलता। आप क्या करोगे? आप इनका टोटल लोगे, कितना आ रहा है? 31,700। चलो हो गया टोटल, आगे बढ़ो। फिर आप अगला महीना जाओगे, अगला महीने का भी ऐसे ही करोगे, उधर कोई एरर हो रहा है पता नहीं चलेगा। सो दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम, एरर हुआ तो पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का और एक नाम क्या है? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम को? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा याद, रहेगा याद। जाते हैं आगे। अगर सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट सिस्टम है तो कंप्लीट सिस्टम क्या रहेगा? कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहेगा? कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। यस, कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहेगा? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोला था अपने भाई ने, लुका पैसियोली सर ने, कि एंट्री का रिकॉर्ड दो जगह पे करो, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कम से कम दो जगह पे करो। कौन सा था वो दो जगह? हाँ, कौन सा था वो दो जगह बताया मैंने आपको? यस, वेरी गुड। कौन सा वो दो जगह? एक डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट। यस, डेबिट एंड क्रेडिट, डीआर एंड सीआर, बराबर है। तो अभी क्या होगा देखो, डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग क्यों कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, क्या डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज है, और क्यों आज का डेट में मैक्सिमम बिजनेस इसको फॉलो कर रहा है, वो समझ के लो। तो अभी देखो, पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस रूपाली ने स्टार्ट किया 25,000 रुपीज लेके, मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया 25,000,
मैंने क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किया 25,000, बराबर है। दूसरा परचेस मशीनरी फॉर कैश 5,000, मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया 500। भाई गड़बड़ में एक जीरो कम लिखा, बट सेम गलती मेरा क्रेडिट में रिपीट होगा क्या? सेम मिस्टेक मेरा क्रेडिट में रिपीट होगा क्या? नहीं होगा ना। मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया 5,000। समझा सबको? अंडा समझा? ये एडवांटेज है कि जब आप दो बार रिकॉर्ड करते हो, दो जगह पे रिकॉर्ड करते हो, तो गलती अगर एक जगह पे हुआ, दूसरा जगह पे होने का चांसेस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का। ओके ठीक है, चलो आगे। कुछ स्वरा से परचेस किया 3,000 का, चलो हमने इधर भी लिखा 3,000 और हमने इधर भी लिखा 3,000, बराबर है। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव किया 200, सॉरी हमने क्या किया, सैलरी पेड किया 3,000, सैलरी पेड किया 3,000, इधर भी रिकॉर्ड किया एंड इधर भी रिकॉर्ड किया। फिर इंटरेस्ट दिया 200, डेबिट में भी रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किया। क्या हुआ, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं ना, देखो जरा आवाज अगर किसी के यहाँ पे ब्रेक होता रहेगा ना, तो फिर आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू रहेगा, जरा देखो या फिर लॉग आउट करके वापस इन करो। ओके चलो अभी ध्यान दो इंपॉर्टेंट पार्ट। चल ठीक है, हमने दो जगह पे रिकॉर्ड तो किया, बट अभी पता कैसे चलेगा यहाँ पे एरर हुआ है करके? और अभी आपने बोला 500-500 ट्रांजेक्शन होता है, 5,000 ट्रांजेक्शन होता है, 5,000 ट्रांजेक्शन होता, फिर फाइंड आउट कैसे करने का? टोटल लेने का। क्या करने का? टोटल करने का। यस, टोटल करने का। करो टोटल, इधर आ रहा है 31,700, इधर करो रे, इधर आ रहा है 36,200। टोटल सेम नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, टोटल टैली नहीं हो रहा, टोटल टैली नहीं हो रहा है। और अगर टोटल टैली नहीं हो रहा है, समझ जाने का कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर रहेगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर रहेगा। तो फिर ढूंढो अभी किधर एरर है, वो कैसा ढूंढने का? वापस ट्रांजैक्शन देखो या इधर देखो, 25,000 बराबर है, 500 गलत है, बराबर है। एक तो अपना अमाउंट 500 दोनों जगह पे रहेगा या फिर 5,000 दोनों जगह पे रहेगा, तो उसको क्रॉस चेक करो। चलो देखो, सेकेंड ट्रांजेक्शन है ना, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो क्या था, परचेस मशीनरी फॉर कैश 5,000, तो करेक्ट अमाउंट इज 5,000, बट हमने कितना रिकॉर्ड किया, डेबिट में हमने रिकॉर्ड किया 500, क्रेडिट में तो बराबर है, तो चलो ठीक है उसको 5,000 कर दो। फिर इधर 3,000, इधर 3,000, 200, 200 टैली हो रहा है क्या? देखो यस हो गया टैली, हाँ इट्स वेरी गुड। इमीडिएटली हमने क्या किया, इमीडिएटली हमने क्या किया, हमारे बुक्स के एरर को फाइंड आउट किया। इमीडिएटली हमने क्या किया, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के एरर को फाइंड आउट किया। महिमा ने इधर एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सब लोग समझ के लो। महिमा बोलती है कि सर अगर हमने इधर भी 500 लिखा रहता और इधर भी 500 लिखा रहता तो क्या होता था, तो क्या होगा और वो गलती कैसे फाइंड आउट करने का, महिमा हम लोग आगे देखेंगे, चलेगा? अभी घाई मत करो, क्यों? सिंपल लॉजिक है, देखो तुम्हारा कॉमर्स तुम्हारे लिए नया है, हम अभी घाई नहीं कर सकते, सिंपल लॉजिक है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको क्या देते हैं, दूध देते हैं ना, क्यों? बेचारे को दांत नहीं होता है। ऐसा कभी देखा है कि बच्चा पैदा हुआ और सीधा चिकन का हड्डी दिया, ले बेटा खा, होता है क्या कभी ऐसा? नहीं ना, रोटी दिया, चावल लिया, ले बेटा खा, दांत नहीं तो क्या हुआ?
तो दांत से खा या बिना दांत से खा, अल्टीमेटली पेट में ही जाने वाला है, खा बिंदास, चलेगा क्या ऐसा? हाँ, इसलिए हम लोग को थोड़ा पेशेंस से चलना है, थोड़ा हमको पेशेंस से चलना है, ओके? तो धीरे 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 हम लोग सब एक-एक पार्ट कवर करेंगे। ये तो मैंने एरर बोला, जिसको हमने क्या किया, सुधारा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, रेक्टिफिकेशन। जब आप गलती करते हो और उस गलती को सुधारते हो तो उसे क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। और 11th स्टैंडर्ड में ये आखिरी टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें जो आपका डाउट था ना, दो जगह पे गलती हुआ तो वो फाइंड आउट कैसा करने का है, वो हमको सबसे लास्ट में पढ़ना है, यानी आपके 11th स्टैंडर्ड के एंड ऑफ द ईयर में। बट पहले हम लोग को बेसिक तो मालूम होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसमें जाएंगे ना, इसलिए फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है, समझा सबको? यस और नो? इमीडिएटली आपको एरर फाइंड आउट होता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसी एडवांटेज की वजह से 600 साल पुराना बुक कीपिंग का टेक्नोलॉजी सिस्टम आज भी मॉडर्न बिजनेस में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ऐसा इफिशियंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से ल्यूका पैसियोली को बोला जाता है फादर ऑफ बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है ल्यूका पैसियोली को? फादर ऑफ बुक कीपिंग। अभी ये मत पूछो सर, अगर ल्यूका पैसियोली फादर ऑफ बुक कीपिंग है तो मदर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम्हारे क्वेश्चंस एकदम क्या बोलते हैं ना, लेवल क्रॉस किए हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो मदर ऑफ बुक कीपिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, फादर ऑफ बुक कीपिंग ही रहेगा, बुक कीपिंग का बाप बोलते हैं अपने बम्बैया लैंग्वेज में, है ना? जैसे अपन बोलते हैं ना, क्रिकेट का बाप कौन है, सचिन तेंदुलकर है, वैसा बुक कीपिंग का बाप कौन है, ल्यूका पैसियोली। समझ रहे सबको? यस और नो? चल, वेरी गुड। तो बुक कीपिंग का सिस्टम जो है ना, वो कैसे होता है मालूम है क्या? दो तरीके का है, एक है आपका इंडियन सिस्टम और दूसरा है आपका इंग्लिश सिस्टम। एक है आपका इंडियन सिस्टम और दूसरा क्या है आपका, इंग्लिश सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम जो है ना, वो इंग्लिश सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपका इंग्लिश सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट कौन सा? तो दो पार्ट है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम एंड दूसरा है आपका डबल एंट्री सिस्टम। दो पार्ट कौन सा है आपका? सिंगल एंट्री सिस्टम एंड दूसरा कौन सा है आपका? डबल एंट्री सिस्टम। तो पहला इंडियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि इंडियन सिस्टम में ये सब होता नहीं था, इंडिया में भी होता था। इंडिया में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या बनाया जाता था? इंडिया में जो बुक मेंटेन किया जाता था उसे बोला जाता था रोकनामा। सृष्टि, तेरा टेक्सबुक अभी भी ओपन है लगता है, अभी तेरा मोबाइल से घुस के तेरा टेक्सबुक लेके आएगा मैं वापस। टाइप को घाई कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं आपको, बुक हम लोग देखने वाले हैं, बुक में मत देखो फिलहाल। जब भी ऐसा कोई थेरी सेशन चालू रहता है ना, बुक बंद रखने का। लॉन्ग बुक, चलो मुझे बताओ सृष्टि, लॉन्ग बुक बोला तो क्या? हाँ, इंग्लिश सिस्टम को फॉरेन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इंग्लिश सिस्टम बोला तो क्या? जो इंडियन नहीं है, दैट इज इंग्लिश सिस्टम, ओके? अभी देखो, लॉन्ग बुक बोला तो क्या, आपके माइंड में एक ही आएगा, लॉन्ग बुक बोला तो हमारा वो A4 साइज, A6 साइज, वो हमारा लॉन्ग बुक नहीं, वो लॉन्ग बुक नहीं। आपने वो सीरियल देखा? अच्छा वो छोड़ो, आपने वो ये मूवी देखा है बाजीराव मस्तानी? मूवी देखा रहेगा ना, उसमें देखो बंदा हिसाब करने के लिए बैठता है लेके, हाँ उसे बोला जाता है लॉन्ग बुक, बराबर है? और अगर आप जो लोग कोई वो मराठी सीरियल आता था शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज का, उधर भी देखा रहेगा ना, तो उसे बोला जाता है लॉन्ग बुक। तो उधर क्या होता है मालूम है,
रोकनामा में क्या होता है ना, रिकॉर्ड जो है वो एक-एक वन बाय वन लिखा जाता है। इट इज जस्ट लाइक अपना वो डीमार्ट का बिल, अपने बिग बाजार का बिल कैसे लंबा चौड़ा रहता है सिंगल लाइन में, वैसा हो रहता है। अब ये पुराना अगर आपको दिखाना रहेगा तो मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या। निकाल के रखा था, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये बहुत पुराना है बट फिर भी ये लेटेस्ट है, फिर भी ये लेटेस्ट है। बट अगर हम लोग बात करेंगे 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, तो उसमें कैसे होता था, पेज जो है वो अलग तरीके का होता था, एंड उस पेज पे ऐसे ही वन बाय वन, एक के नीचे एक लिखा जाता था। दैट इज रोकनामा, महाजनी सिस्टम भी बोलते हैं उनको। समझ में आ रहा है? ये सब पुराना है, ये बहुत पुराना है। बट इंडिया को छोड़ेंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे, सो दैट इज व्हाट इंग्लिश सिस्टम, फॉरेन सिस्टम, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? मुझे बताओ सबसे एफिशिएंट कौन सा रहेगा, रोकनामा, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री? सबसे एफिशिएंट कौन सा रहेगा? सिंगल एंट्री यूज्ड, क्यों रे पीयूष, बाय सिंगल एंट्री? पीयूष क्यों सिंगल एंट्री लगता है आपको? यार 600 साल पहला लुका पैसिओली बोल के गया, अभी 40 मिनट मैंने बोला, फिर भी पीयूष को सिंगल एंट्री बेस्ट लग रहा है। कोई रोकनामा मत बोलो सर, मेड इन इंडिया, रोकनामा इज बेस्ट, मेड इन इंडिया। डबल एंट्री सिस्टम इज द बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, समझा? रोकनामा, रोकनामा में क्या है मालूम है, रोकनामा में भी इट इज जस्ट लाइक सिंगल एंट्री ना, एक-एक लिखते थे, रिकॉर्ड एक ही जगह पे होता था। तुमने वो हिस्ट्री में देखा है क्या, आपको एक चैप्टर था शायद, शिवाजी महाराज ने सूरत पे अटैक करके बहुत सारा गोल्ड वगैरह जीत के लेके आए थे, था क्या आपको हिस्ट्री में चैप्टर? था ना? तो तुमको मालूम है बिकॉज ऑफ दैट रोकनामा ना, जितना भी गोल्ड आया था ना, अभी भी हाफ गोल्ड का, यानी हाफ जो लाया था उसका रिकॉर्ड है, बट वो बचा हुआ जो हाफ है वो किधर है आज भी किसी को मालूम नहीं। वो गोल्ड जो है बचा हुआ वो आज भी किसी को मालूम नहीं किधर है, क्यों? रोकनामा मेंटेन कर रहे थे ना, पता ही नहीं चला कि कितना आया और कितना गया, तो ये डिसएडवांटेज है। तो किधर जाएगा, तुमको मालूम है किधर जाएगा? अगर आप करंट अफेयर से अवेयरनेस आप रखते हो तो सुना रहेगा आपने, लास्ट ईयर में सूरत या सांगली में कुछ लोग फार्मिंग या कुछ तो कर रहे थे, तो जमीन के नीचे है ना एक क्या बोलते हैं उसको, हंडा बोलते हैं ना, हंडा, वो हंडा भर के गोल्ड कॉइन्स मिला था, सुना है क्या आपने? अंडा नहीं वे, हंडा बोला मैं, हंडा, अंडा नहीं। तो ये जो गोल्ड कॉइन्स है ना, मटके के शेप का रहता है, मटके के शेप का रहता है, ब्रॉन्ज का, तो क्या होता था मालूम है, इसका मकसद क्या, आज भी है ना बहुत सारे फोल्ट ऐसे है ना जहाँ पे बड़े बड़े किंग हुआ करते थे, आज भी अगर देखोगे ना तो उनका जमीन का नीचे है ना बहुत सारा गोल्ड रहेगा। तो इसका मेन एम क्या है मालूम है, मकसद क्या मालूम है? अभी जैसा मैं एक पर्टिकुलर एरिया का किंग है,
समझ में आ रहा है? सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कल्याण में एक फोर्ट है, दुर्गढ़ी फोर्ट है, और दुर्गढ़ी फोर्ट का मैं किंग है, और मैंने देखा कि एनिमीज मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उस एनिमीज को फेस करना अपने हाथ में नहीं है, शायद इनके साथ अपन वॉर करेंगे तो अपन हार जाएंगे, तो अभी करने का क्या, भाग जाओ। बट अभी अपने साथ इतना सारा गोल्ड है, अपने पास इतना सारा पैसा है, पैसा तो तब था ही नहीं, बट इतना सारा गोल्ड है, वो लेके भागने का कैसा? तो ये लोग क्या करते थे, जमीन में खड्डा करते थे, और खड्डा करके उस खड्डे के अंदर उसी जगह पे वो गोल्ड छुपा के रखते थे और भाग जाते थे, क्योंकि इनका एम क्या है, आज भाग जाएंगे और कुछ दिनों के बाद किसी और को अपना पार्टनर बना के उससे क्या बोलते हैं ना, सेटलमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके वापस इस पोर्ट पे अपन अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो जो छुपाया हुआ गोल्ड है वो वापस अपने को मिलेगा। ये उस जमाने के किंग्स का स्ट्रैटेजी था, जमीन के अंदर गोल्ड मिलना बोला तो भगवान ने रखा, ये वो ऐसा चीज नहीं है, ये तो वो जो लोग हैं वो एक्सपर्ट थे, उनका सोच था, उनका स्ट्रैटेजी था, इसलिए पता चलता है। यस, समझ में आ रहा है? तो वो रोकनामा का डिसएडवांटेज ये है, मेड इन इंडिया है, बराबर है, बट डिसएडवांटेज ये है, आज भी वो प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट मिला नहीं है। चलो, दैट इज अनदर पार्ट, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, समझा? यस और नो? और आपको मालूम है क्या, आप में से बहुत सारा लोग ऐसा रहेगा जिसका मम्मी कॉमर्स पढ़ा नहीं है, बट फिर भी ये सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। मैंने शायद बताया था आपको कि आपके घर पे आपका मम्मी शायद कॉमर्स पढ़ा भी नहीं रहेगा, फिर भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। कैसा? तो आपका महीने में जितना जितना खर्चा हुआ, बड़ा बड़ा खर्चा, वो मम्मी क्या करता है, एक डायरी में रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? एक डायरी में रिकॉर्ड करता है, बट उसको लगता है कि डायरी में रिकॉर्ड करेगा तो कभी कभी भूलने का चांसेस है, अमाउंट में गलती होने का चांसेस है, तो मम्मी एक और जगह पे रिकॉर्ड करता है, मम्मी उसका एक और जगह पे रिकॉर्ड करता है। किधर रिकॉर्ड करता है? एक और जगह पे। एक डायरी तो मम्मी के पास होता ही है, दूसरा हाँ कैलेंडर पे रिकॉर्ड करता है, दूसरा किधर रिकॉर्ड करता है, कैलेंडर पे। क्यों? डेट मिस नहीं होना चाहिए, यानी डेट गलत नहीं होना चाहिए, अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। सो देखो, अपना मम्मी जिसको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, बट वो भी ये सिस्टम फॉलो कर रही है, डबल एंट्री सिस्टम। मेन एम क्या है? एक ही एम है कि गलती नहीं होना चाहिए, महीना जब खत्म होगा तो हिसाब बराबर होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ओके, तो ये थियोरेटिकल पार्ट था, नाउ अभी आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में। तो देखो, टेक्स्ट बुक में इसके पहले वाले पेज पे ल्यूका पैसिवली का इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, ल्यूका पैसिवली कौन था? इटालियन मर्चेंट था। कब लाया उसने? 10 नवंबर 1494, ये डेट ध्यान में रखो, 10 नवंबर 1494 को लाया। इतना इफिशियंट सिस्टम, इसलिए आज इस डेट को, 10 नवंबर 1494 को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के याद रखा जाता है। क्या बोल के याद रखा जाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोल के याद रखा जाता है। क्लियर है? ओके, ये सब हमने बोला है, उसमें वापस रिपीट करने का जरूरत नहीं है। लास्ट पैराग्राफ क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसर्न विद एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इनकम। समझ में आ रहा है? मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, मॉडर्न बिजनेस का क्या बोलता है, हर ट्रांजैक्शन में क्या क्या होने वाला है, आइदर एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल और एक्सपेंसेस और इनकम। इसका थोड़ा बहुत पार्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में तो देख लिया है, यस और नो? बराबर ना? तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, अगर आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, और अगर आपका एसेट्स एंड एक्सपेंसेस कम होता है तो उसे क्रेडिट बोलते हैं।
क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, हम लोग ये बाद में आगे चल के देखेंगे। एल्सोन ये फिक्स नहीं है। कोई कोई बोलता है कि डबल एंट्री सिस्टम 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, कोई बोलता है 14th सेंचुरी में। तो हम लोग को उससे लेना देना नहीं है, हम लोग को डेट दिया और डेट पकड़ के चलेंगे। और वैसे भी जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हारे कॉलेज के टीचर इसी डेट को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, तो हम यही डेट पकड़ के चलते हैं। ओके चलो आगे आगे देखो क्या बोला है। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंडियन सिस्टम इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम मतलब क्या? नहीं, विजय सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं ना, कौन करते हैं बताता हूं मैं आपको। आपने हमको तो एक चैप्टर पढ़ना है बुक कीपिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम का। हाँ एग्जाम में डेट्स पूछते हैं बोला, तो क्या आप डेट लिखोगे तो आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर अच्छा पड़ेगा ना, ये बंदे ने सब पढ़ के रखा है, तो डेट लिखोगे तो अच्छा रहेगा। चलो ध्यान दो, अभी इंग्लिश सिस्टम बोला तो क्या, जो इंडियन सिस्टम नहीं है वो इंग्लिश सिस्टम है। ओके, जिसमें दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम हमने देखा, फिर उसके बाद हमने डबल एंट्री सिस्टम भी देखा। नाउ बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है एक छोटा बिजनेसमैन। देखो वेरी सिंपल, अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम करना है तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? आपको नॉलेज होना चाहिए दो चीज का, कौन सा? डेबिट एंड क्रेडिट। आपको इन चीज का नॉलेज होना चाहिए। इन चीज का नॉलेज कब होगा? जब आपने कॉमर्स पढ़ा है। इसका नॉलेज कब होगा? जब आपको कॉमर्स पढ़ा है, बराबर ना? जो बोला, जो बंदा कॉमर्स वाला है वो ये रिकॉर्ड कर लेगा। पर जरा ये सोचो कि आपके घर के बाहर नियर ऑफ एरिया में कोई पानी पूरी वाला धंधा चलाता है, तो क्या वो बंदा कॉमर्स वाला रहेगा क्या? क्या वो डेबिट क्रेडिट जानता रहेगा क्या? नहीं ना, तो बंदा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता है। अभी आप कभी हमारे क्लास में आए रहेंगे तो हमारे क्लास के बाहर एक चाय वाला है, जो एक छोटा सा चाय का टपरी लगाता है और चाय बेचता है। बंदे का पढ़ाई हार्डली 6th 7th स्टैंडर्ड भी नहीं हुआ रहेगा, उसको डेबिट क्रेडिट मालूम है क्या? नहीं ना, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो मेंटेन नहीं कर सकते। फिर वो क्या मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या मेंटेन करता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। नहीं, सो सैड वगैरह कुछ नहीं। अरे तुम कॉमर्स पढ़ के जितना दिमाग नहीं है ना, उतना दिमाग उनके पास होता है। अभी टॉपिक निकला इसलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। वो बंदे के पास रिकॉर्ड करने के लिए है, खास करके कौन सा, जिस जिसको उधारी पे चाय देता है ना, उसका रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट डायरीज होते हैं। जैसा अपना हेरम कोचिंग क्लासेस, हर रोज चाय आता है और हिसाब मंथ के एंड में आता है, तो हेरम कोचिंग क्लासेस के लिए उसने एक अलग डायरी बनाया है। फिर ऊपर हॉस्पिटल है, उसके हिसाब के लिए अलग डायरी बनाया। फिर स्टेशनरी शॉप है, उसके लिए एक अलग डायरी बनाया। और तुमको मालूम है कि क्या, उसके पास ऐसा 10-15 डायरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे 15 डायरी के ऊपर एक ही फोटो है। और रहता ना 2-2 रुपए का स्टेशन में मिलता है, करीना कपूर कैटरीना कैफ वाला, वो डायरी 15 के 15 डायरी के ऊपर कैटरीना कैफ है। ऐसा नहीं कि हेरम के लिए करीना कपूर, स्टेशनरी वाले के लिए कैटरीना कैफ, हॉस्पिटल वाले के लिए श्रद्धा कपूर, ऐसा कुछ नहीं। सारे के सारे 15 के 15 डायरी के ऊपर कैटरीना कैफ है। बट कौन सा डायरी हिरम क्लासेस का है, कौन सा डायरी स्टेशनरी शॉप का है, कौन सा डायरी हॉस्पिटल का है, ये वो बराबर फाइंड आउट करता है बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। और हम लोग का लफड़ा क्या होता है, 10th में भी देखा रहेगा, अलजेब्रा का नोटबुक समझ के कभी कभी हम लोग ज्योमेट्री का लेके जाते हैं, हिस्ट्री का समझ के कभी कभी ज्योग्राफी का लेके जाते हैं। क्या फायदा हम लोग का पढ़ के? फिर समझ रहे सबको? तो ऐसा नहीं कि सो सैड कि उनका ये, चलो हाँ अपन बोल सकते कि हार्ड लक है, अनफॉर्चुनेटली
उनको वो नॉलेज नहीं है, तो एरर हुआ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो कहने का मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है, जिसको डेबिट एंड क्रेडिट का नॉलेज नहीं है, जिसको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हाँ, स्कूल बुक समझ के क्लास बुक लेके यार, भाई तुम लोग एक्सपर्ट है यार, वही बोला ना, इधर जो 105 भरे हुए है ना, सब 101 है। ओके, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। और मैंने क्या बोला था, मैंने एक रूल बताया था आपको, याद है क्या? मैंने एक रूल आपको बताया था, आपको याद है क्या? 1W इज इक्वल टू 3R। यस, याद है ना? तो एज पर दैट रूल आपको क्या करना पड़ेगा, यस, एज पर दैट रूल आपको वो नोटबुक में लिखना पड़ेगा। समझा? समझा गया सबको? इस नोटबुक में कंप्लीट करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम लोग जस्ट एक दो लेक्चर पीछे है, फिर आपका प्रैक्टिकल पार्ट चालू होगा। सो जो लोग बहुत एक्साइटेड है ना, आगे का पढ़ के बैठे और पहले आंसर दे रहे, जो लोग बहुत एक्साइटेड है अकाउंट सीखने के लिए, जस्ट दो लेक्चर हम लोग पीछे है। दो लेक्चर के बाद हमारा अकाउंट वाला पार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्लियर है सबको? यस और नो? यस विजय, व्हाट हैपेंड? आज का नोट्स? हाँ, ये जो है, देखो मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, ये भेज देगा मैं आपको रेफरेंस के लिए। ओके, ये रफ कर रहा हूँ मैं आपको, भेज देगा रेफरेंस के लिए, बट ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिखना चाहते हो आपके रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो लिख के रखो। ओके, बट इंपॉर्टेंट क्या लिखना है आपको, टेक्स्ट बुक वाला पार्ट लिखा, पैसे लिखा, पूरा इंट्रोडक्शन, फिर जो अपना इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम है वो पार्ट आपको लिखना है। क्लियर है? चलो, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यस यस, बाय बाय ऑल ऑफ यू। किसका स्क्रीन शेयर हुआ है? किसी का तो स्क्रीन शेयर हुआ है। ओके, मोबाइल जरा संभालो क्या, गलती से मोबाइल का स्क्रीन शेयर होगा और आप किसी को मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, MU LU, सब लोग को दिखेगा वो, सब लोग मजे लेंगे फिर तुम्हारे। हाँ, तो थोड़ा संभाला करो, स्क्रीन शेयर जरा देखा करो। आविष्कार? हाँ सर, झाला मार सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलो, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय सर, बाय बाय।